मॉर्निंग बच्चों, नव भारती पीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम अपवंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था और पिछड़े बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने बच्चों अपवंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार करनी है इसके बारे में हम वीडियो में देखते हैं। पिछले वीडियो में बच्चों आपने देखा था अपवंचित जो बालक है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से पिछड़े। और अपवंचित बालक हमने किसको माना था? अपवंचित बालक वो बालक है जो समाज में कथित रूप से पिछड़े होने के कारण पढ़ने लिखने और अवसरों की समानता में पिछड़ जाते हैं, अवसर उपलब्ध होने के कारण पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों को हमने अपवंचित बालक कहा था। और अपवंचित बालकों में आपका श्रमिक वर्ग, एससी, एसटी, घुमंतू जातियां, ये सब जो आते हैं बच्चों वो किसके अंतर्गत आते हैं? अपवंचित बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो अपवंचित बालक कौन से हैं? वे बालक जो समाज में कथित रूप से पिछड़े होने के कारण पढ़ने लिखने और अवसरों की उपलब्धता में पिछड़ जाते हैं, ऐसे बालकों को पिछड़े बालक के नाम से जाना जाता है। और ऐसे बालक जो कि जिसमें श्रमिक वर्ग, घुमक्कड़ जातियां, एससी, एसटी, इन जातियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अपवंचित बालकों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े बालक, आर्थिक रूप से पिछड़े बालक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक सॉरी शैक्षिक दृष्टि से अपवंचित बालक। तो सामाजिक रूप से जो अपवंचित बालक होते हैं उनमें सामाजिक कुशलता नहीं होती, आर्थिक जो पिछड़ेपन होते हैं गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण पिछड़ जाते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते, जबकि शैक्षिक रूप से जो स्थिर होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न होती है, तो रुचि नहीं होती, स्मृति का अभाव पाया जाता है, तो ये अपवंचित बालक है। तो ऐसे बालक जो आर्थिक रूप से कमजोर जातियों के यहाँ से आते हैं, घुमंतू जातियों के यहाँ से आते हैं, जिनके खाने और रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हमारे देश में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को समायोजित किया जाए ताकि हर बच्चा एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय में समायोजित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन ले पाए, इसके लिए हमें अपवंचित बालकों की पहचान करनी पड़ेगी, उनकी आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा और उसका उपाय भी करना पड़ेगा। तो अपवंचित बालकों के लिए हमारे देश में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है बच्चों वो देखते हैं। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, ये तो आप जानते हो, एससी और एसटी के लिए सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जो है वो क्या देता है? छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाता है। आप जानते भी हो लड़कियों के लिए गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रिय दृष्टि अवार्ड, इसके अलावा जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था उस सर्व शिक्षा अभियान में भी आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे थे उनके लिए छात्रवृत्तियों की प्रारंभ किया गया, छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई 2002-03 में और 2003-04 में छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई। किसके तहत? अपवंचित बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि वो विद्यालय आ सके, वो विद्यालय में किताबें खरीद सके, इसके लिए वो विद्यालय की फीस को भर सके, उसकी उच्च महत्वाकांक्षा है वो उसको शांत कर सके, उच्च महत्वाकांक्षा है लेकिन धन का अभाव है तो वो बच्चा अवसर प्राप्त नहीं कर पाता। तो हर बच्चे को अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गई। एसएसए के कार्यक्रमों के तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर बालक बालिका है उन बच्चों को कौन सी छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गई?
इसके अलावा आप जानते हो जिस बच्चे के माता पिता में से एक नहीं है या बच्चा अनाथ है तो उस बच्चे को भी छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में की जा रही है ताकि हम समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सके। तो अपवंचित बालकों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में शिक्षक सामग्री, अब आप जानते हो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है, भाषा विपन्नता का शिकार है, उसकी नॉलेज में कमी है, तो शिक्षक सामग्री, उसको बैग मिलना चाहिए, जूते मिलने चाहिए, ड्रेस मिलनी चाहिए, उसको विभिन्न जो मटेरियल है शिक्षण सामग्री, पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी, ये सारी सामग्री उसको मुफ्त में अवेलेबल होनी चाहिए। और हमारी सरकार के द्वारा एससी एसटी और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र के लिए ये सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में और समय पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। समय पर, अगर समय पर उपलब्ध नहीं होगी तो वो बच्चा उन चीजों को सही समय पर अधिगम नहीं कर पाएगा, उसकी योग्यता और क्षमता दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है निष्ठावान समाज सेवी शिक्षकों की नियुक्ति। आप जानते हैं बच्चों, समाज में जो घुमक्कड़ जातियां हैं, समाज में जो एससी एसटी की जातियां हैं, उनको छात्रवृत्ति योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब निष्ठावान समाज सेवी शिक्षक हो, उनको छात्रवृत्तियों की जानकारी दी जाए, उनसे फॉर्म भरवाए जाए, किस प्रकार शिक्षण सामग्री उनको उपलब्ध करवाई जाए, उन अपवंचित जो बालक है उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। अगर वहां पर निष्ठावान शिक्षक की नियुक्ति की जाती है तो भी हम अपवंचित बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। फिर आता है घुमंतु जातियों के लिए टीएसपी एरियल। आपको पता है आजकल वैकेंसी में टीएसपी नॉन डीएसपी, जो टीएसपी एरिया है वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और ज्यादातर वहां के लोगों को, स्थानीय जो बच्चे हैं, स्थानीय जो लड़के हैं, जो बीएडधारी है, उन्हीं को नियुक्ति दी जानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है, वहीं पर विद्यालय होंगे, आसपास विद्यालय होंगे, तो हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, उस बच्चे को शिक्षा फ्री में अगर उपलब्ध करवाई जाएगी, फ्री में पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, फ्री में शिक्षक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, तो वो बच्चा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। श्रमिक बस्तियों में विद्यालय खोले जाए, घुमंतु जातियों के लिए विद्यालय खोले जाए, इसके अलावा भी कई प्रयास सरकार कर सकती है और अपवंचित बालकों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी बच्चों को ये सुविधा दी जाती है। आप जानते हो कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, उस बच्चे को लोन भी दिलवाया जा सकता है, वो बच्चा लोन भी, एजुकेशन लोन की भी सुविधा है, ऋण सुविधा भी सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाती है। और आप जानते हो इन अपवंचित बालकों के लिए ही आगे जाकर के अगर ये एजुकेशन करने के बाद में भी इनको रोजगार अवेलेबल नहीं होता तो हमारी सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। तो अपवंचित बालकों को अगर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था की गई है? पहला, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती है, विद्यालय शिक्षक सामग्री और पाठ्य पुस्तकें समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, निष्ठावान समाज सेवी सेवकों की, शिक्षकों की वहां पर नियुक्ति की जानी चाहिए, घुमंतु जाति के लिए विद्यालय खोले जाने चाहिए और श्रमिक बस्तियों में विद्यालय खोले जाने चाहिए, तभी हम अपवंचित बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों पिछड़े बालक। आज हम शिक्षा में, हम विज्ञान में पिछड़े बालक और अपवंचित बालकों को एक ही मान लेते हैं। अगर आपको इसमें फर्क करना है तो दोनों को समझना जरूरी है। अपवंचित बालक मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, अब मैं बता रही हूँ पिछड़ा बालक। देखो कई बच्चे तो पिछड़े बालक और अपवंचित बालक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन अपवंचित बालक वो है जो पढ़ने लिखने और अवसरों की उपलब्धता उनको नहीं हो पाती,
वो अवसर उनको नहीं मिल पाता। उनकी बुद्धि लब्धि कमजोर नहीं है, उनकी मानसिक क्षमता कमजोर नहीं है, लेकिन वो समाज के ऐसे इलाके से आ रहे हैं जिससे उनके पास में शिक्षण सामग्री नहीं है, पाठ्य पुस्तकें नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कई आय की असमानता है, जिसके कारण वे समाज की मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं, समाज की सुख सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। ऐसे बालक होते हैं बच्चों अपवंचित बालक, जबकि पिछड़े बालक वो होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं। इन पिछड़े बालकों को आप बोल सकते हो धीमी गति से सीखने वाले बालक। धीमी गति से जो बच्चे सीख पाते हैं वो बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर धीमी गति से बच्चा सीख रहा है तो उसको भी हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल करते हैं, उनको भी सामान्य बालकों की तरह एक ही कक्षा एक ही विद्यालय में अध्ययन करवाया जा सकता है। उसके लिए हमें तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि पिछड़े बालक कैसे होते हैं, पिछड़े बालकों की पहचान कैसे होती है, पिछड़े बालक होने के कारण क्या है, समस्याएं क्या है, उनके लिए हम क्या क्या समाधान कर सकते हैं। तो इन सब के लिए अध्ययन करने के लिए हमें पिछड़ा बालक पढ़ना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, पिछड़ा बालक और धीमी गति से सीखने वाला बालक एक ही है, ध्यान रखना। पिछड़े बालक की सिलीबट ने बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है, क्या दी है, पिछड़े बच्चे वह है जिनकी लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो। मतलब IQ आपने देखा है, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि जो संपत्ति दिया वो स्टर्न ने दिया, लेकिन जो सूत्र बनाया वो टर्मन ने बनाया, जबकि मानसिक बुद्धि का जो संपत्ति दिया बच्चों वो दिया आपके अल्फर्ड बीनेसा। इसने दिया मानसिक बुद्धि का जो संप्रत्यय दिया बच्चों वो बीने साहब ने दिया, जबकि बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले बताया स्टर्न ने, और टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र बताया और हमें IQ लेवल बताया। इसी बुद्धि लब्धि के आधार पर हम पिछड़े बालक की पहचान करते हैं कि जिसका शिक्षा अंक 85 से कम हो वो बच्चा पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। ये कहा किसने, सीवी बर्ट ने। कॉटन होल क्या कहते हैं बच्चों, देखो पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। मतलब उनमें स्वाभाविक योग्यता तो है, उनको मतलब यह है कि जो धीमी गति से देख सुन समझ पा रहा है, उन बच्चों को बार बार अभ्यास करा करके, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करके, दृश्य सामग्री उपलब्ध करवा करके, पारदर्शक नमूना चित्र मानचित्र ग्लोब ये सब दिखा करके उसकी शैक्षिक उपलब्धि को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉटन हॉल साहब कहते हैं कि पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। ये पिछड़ेपन की दो सुंदर परिभाषाएं दी, एक दी आपके सिलीबट ने और एक दी कॉटन हॉल ने। सिलीबट ने कहा शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम हो, जबकि ये कहता है कि शैक्षिक उपलब्धि बालक की स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। ऐसे बालकों को हम पिछड़े बालक की श्रेणी में मान सकते हैं बच्चों। अब आती है कि जो पिछड़े बालक है वो कैसे होते हैं। जो बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाता, जो बच्चा मान लो अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चा उसका अधिगम नहीं कर पा रहा है, बच्चा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, बच्चा क्लास में गणित के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, विज्ञान के प्रोजेक्ट्स नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब है और कक्षा के अन्य बालकों से पीछे रह जाता है। आप जानते हो बच्चों क्लास में जो बच्चे हैं, मान लो क्लास में 30 या 40 बच्चे हैं, लेकिन उन बालकों में सब उस प्रश्न का सॉल्व कर देते हैं, 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं
कि वो इजी प्रश्न था फिर भी वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि उसके वो बात समझ में नहीं आ रही है। वो बच्चे धीमी गति से अधिगम कर रहे हैं, वो बच्चे पिछड़ गए हैं, उन बालकों को हम पिछड़े बालक की श्रेणी में मानते हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्षमता, योग्यता, व्यक्तित्व। जिनमें क्षमताएं कम होती है, बौद्धिक रूप से क्या होते हैं बच्चों, कमजोर होते हैं। बौद्धिक रूप से क्या होता है, कमजोर। स्मृति शक्ति क्या होती है, कमजोर। विकास क्या होता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। तो ये चीजें होने के कारण इन बच्चे में क्षमताएं कम होती है, योग्यता बुद्धि लब्धि नहीं है, मानसिक स्तर उनका कमजोर है, एकाग्र नहीं कर पाते, और व्यक्तित्व में अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं टीचर से, होमवर्क क्लास में नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे व्यक्तित्व में सामान्य बालकों से हमें पता है कि ये बच्चा धीमी गति से सीख पा रहा है, तो वह एवरेज बच्चों में शामिल नहीं होता है। जो बच्चा क्षमता, योग्यता और व्यक्तित्व में सामान्य बालकों जैसा नहीं है बच्चों, वो बालक पिछड़ा बालक कहलाता है, वो बच्चा औसत बालक नहीं कहलाता है। पिछड़ा बालक मंद बुद्धि हो जरूरी नहीं है, प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा हो सकता है। अगर मान लो एक प्रतिभाशाली बालक है, टीचर बोर्ड पर समझा रहा है, लेकिन वो उस बात को समझना ही नहीं चाहता, समझ ही नहीं रहा है, उसमें प्लायन प्रवृत्ति है, भागने की प्रवृत्ति है, गलत बातों में लगा चुका है, गलत आदतों का शिकार हो चुका है, तो वो बच्चा भी उस पाठ्यक्रम में पिछड़ जाएगा, उस गणित में कमजोर हो जाएगा, गणित में उसके नंबर कम आ सकते हैं, साइंस में क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा तो साइंस की क्लास में पिछड़ जाएगा, हिंदी की मैम जब पढ़ाती है तब वो उसमें ध्यान नहीं दे पाता तो बाकी चीजों में अच्छे अंक आ रहे हैं, लेकिन वो हिंदी में अगर क्लास में ध्यान नहीं दे पाता तो वो बच्चा हिंदी की क्लास में पिछड़ जाएगा। तो इन चीजों की पहचान करने के लिए हमें पिछड़े बालक को समझना होगा। क्या कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते, कक्षा के अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं, क्षमता योग्यता और व्यक्तित्व में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, ऐसे बच्चों को बच्चों क्या कहते हैं, पिछड़े बालक कहा जाता है। पिछड़ा बालक मंद बुद्धि हो, कोई जरूरी नहीं कि आईपी लेवल कम हो, एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ सकता है, अगर क्लास में उस बच्चे का ध्यान नहीं है, वो गलत आदतों का शिकार हो गया है, वो गलत संगत का शिकार हो गया है, तो वो बच्चा क्लास में पिछड़ सकता है। आपको पता है कई बार बच्चा फर्स्ट टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, सेकंड टेस्ट में उससे कम, फिर उससे कम, कई बच्चे टेंथ में बहुत अच्छे नंबर गेन कर जाते हैं जबकि नाइन्थ में उनके सेकंड डिवीजन होती है। क्यों? क्योंकि वो बालक नाइन्थ क्लास में पिछड़ गया था, उस बालक का ध्यान नहीं था, तो वो बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। तो पिछड़े बालक को समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनकी पहचान करनी पड़ेगी। अब देखो बात आता है बच्चों पिछड़ेपन के प्रकार। पिछड़ापन एक सामान्य पिछड़ापन होता है और एक विशिष्ट पिछड़ापन होता है। सामान्य पिछड़ापन होता है बच्चों जो पाठ्यक्रम में बाकी बच्चों में सभी सब्जेक्ट्स में कमजोर हो बच्चों, वो होता है सामान्य पिछड़ापन। ये विशिष्ट पिछड़ापन पाया जाता है प्रतिभाशाली बच्चे में। आपको पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं गणित में बहुत कमजोर होते हैं, तो वो विशिष्ट पिछड़ापन होगा। सभी सब्जेक्ट, सभी पाठ्यक्रम, खेलकूद गतिविधि सभी में धीमी गति से सीख पा रहा है, तो वो बच्चा सामान्य पिछड़ेपन का शिकार होगा। और अगर विशिष्ट पिछड़ापन है तो वो बच्चा किसी सब्जेक्ट में, किसी क्लास में, किसी रुचि में, किसी प्रतियोगिता में, सब में अगर इंडिविजुअल लेवल पे पिछड़ता है बच्चों, तो वो विशिष्ट पिछड़ापन है। और इसको सामान्य पिछड़ापन को बच्चों व्यक्तिक पिछड़ापन भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नहीं सामूहिक, इसको तो बोलेंगे सामूहिक, जो सभी में मौजूद हो, और विशिष्ट पिछड़ापन जिसमें विशिष्टता हो, व्यक्तिक हो, एक ही में हो वो व्यक्तिक है, सामूहिक मतलब जो अपने पाठ्यक्रम में इसके सभी विषयों में कमजोर हो, जो अधिगम बार बार अभ्यास करता है लेकिन फिर भी नहीं लर्न कर पा रहा है,
तो वो धीमी गति से सीख पा रहा है। जबकि कुछ बच्चे केवल गणित में कमजोर है, इसका मतलब है उसका ध्यान नहीं था, उसका बुद्धि स्तर अच्छा है, उसकी मानसिक क्षमता अच्छी है, बट वो उस चीज को सीखता नहीं है, तो उसके पीछे कारण भी हो सकते हैं। तो वो बालक जो है वो विशिष्ट पिछड़ापन के अंतर्गत आते हैं। तो पिछड़ेपन को हम दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। अब आता है बच्चों पिछड़े बालक की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले शैक्षिक परीक्षा, आपको पता है हम क्लास में बार बार बच्चे का क्लास टेस्ट लेते हैं, लेते नहीं लेते, हम रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, आजकल तो करी है, इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन, हाफ ईयरली, ईयरली, इसके अलावा भी आप फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टर्म, पीटी फर्स्ट, पीटी टू, तो ये सब एग्जाम जब आयोजित होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस चीज में या किस विषय में बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है। बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स में अगर कमी आ रही है तो इसका मतलब है वो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है। ठीक है बच्चों, तो शैक्षिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण का मतलब है कि किसी बच्चे को कोई समस्या दे दी जाती है, वो समझाई जाती है, फिर उसको समस्या दी जाती है, लेकिन बच्चा उस समस्या को में जब वो क्रियाएं करता है, उस चीज को समझने की कोशिश करता है, तो बड़ी धीमी गति से कर रहा है। तो क्रियात्मक परीक्षण के द्वारा भी हम इसका पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। फिर आता है निरीक्षण विधि, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपको मैंने बताया भी था जब समावेशी शिक्षा दी जा रही, तो एक तो टीचर होता है जो स्थिर होकर पढ़ाता है, और एक टीचर करता है ऑब्जर्वेशन, देखता है कि कौन सा बालक धीमी गति से सीख पा रहा है, किस बच्चे का गणित में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कौन सा बच्चा साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनमें बच्चा रुचि नहीं ले पा रहा है, धीमी गति से कौन सीख पा रहा है, तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करके भी क्या कर सकते हैं, पिछड़े बालक की पहचान कर सकते हैं। फिर आता है बुद्धि परीक्षण, आई क्यू लेवल। अब आपको पता है जिस बच्चे का आई क्यू लेवल अच्छा है वो अच्छा अध्ययन करेगा, और ज्यादातर वो बच्चे पिछड़ेपन के अंतर्गत नहीं आते, और अगर पिछड़ेपन के शिकार भी हो जाते हैं तो विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करके या उनको ऐसा एनवायरमेंट उपलब्ध करवा करके वापस सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण के आधार पर भी हम पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। फिर आता है एकल अध्ययन विधि, केस स्टडी, किसी बच्चे के पिछड़ेपन के क्या कारण है, परिवार का क्या माहौल है, विद्यालय में वो कौन से सब्जेक्ट कर पा रहा है, कौन से सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी इसमें कौन सी शैक्षिक उपलब्धि है, उसका क्रियात्मक परीक्षण किया, तो सभी की उसका एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करके भी हम पिछड़े बालक की पहचान कर सकते हैं। तो पिछड़े बालक की पहचान करने के लिए शैक्षिक परीक्षा, क्रियात्मक परीक्षण, निरीक्षण विधि, बुद्धि परीक्षण और एकल अध्ययन विधि, इन सब के माध्यम से हम पिछड़े बालक की पहचान कर सकते हैं। तो आज हमने अपवंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसे करनी है, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां देकर, विद्यालय शिक्षक सामग्री व पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा के, निष्ठावान समाज सेवी शिक्षकों की नियुक्ति करके घुमंतु जातियों के लिए विद्यालय खोले जाए, इसके अलावा श्रमिक बस्तियों में भी विद्यालय खोले जाए, तो हम अपवंचित बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। अपवंचित बालक वो बालक है जिसमें श्रमिक वर्ग, घुमंतु जातियां, एससी एसटी, जो पढ़ने लिखने और अवसरों की उपलब्धता में पिछड़ जाती है, वो अपवंचित बालक की श्रेणी में आते हैं। पिछड़े बालक वो है जो धीमी गति से सीखते हैं। सीली भट्ट ने बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है कि पिछड़े बच्चे वह है जिनकी लब्धि या शिक्षा अंक 85 से क्या होता है बच्चों, कम होता है, वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। पिछड़े बालक के बारे में कॉटन हॉल ने कहा कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। जो बालक कक्षा में औसत नहीं कर पाते, अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, क्षमता योग्यता और व्यक्तित्व में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, जो मंद बुद्धि हो जरूरी नहीं प्रतिभावान व्यक्ति भी बच्चा भी क्या हो सकता है, पिछड़ा बालक हो सकता है। पिछड़ेपन के दो प्रकार बताए मैंने, सामान्य पिछड़ापन जिसको सामूहिक पिछड़ापन भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत पिछड़ापन जिसको विशिष्ट पिछड़ापन भी कह सकते हैं।
सामान्य पिछड़ापन। यदि बालक अपने पाठ्यक्रम और सभी विषय वस्तु में कमजोर है तो इसका मतलब है कि उसमें सामान्य पिछड़ापन है, जबकि विशिष्ट पिछड़ापन वो है जिसमें बच्चा इंडिविजुअल विषय में, इंडिविजुअल कुछ टॉपिक्स में वो नहीं कर पा रहा है, तो वो विशिष्ट पिछड़ापन है, व्यक्तिक पिछड़ापन है। जैसे कई बच्चे रेखा गणित बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कई बच्चे बीजगणित बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो वो उनकी क्षमता पर, उनकी रुचि पर निर्भर होता है। तो ये विशिष्ट पिछड़ापन है जिसको व्यक्तिक पिछड़ापन भी कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो पिछड़ेपन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। अब बात आती है बच्चों इनकी पहचान कैसे करेंगे। विद्यालय में परीक्षाओं का आयोजन करवाएंगे, विद्यालय में क्रियात्मक परीक्षण करवाएंगे, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करेंगे, बुद्धि परीक्षण आईक्यू लेवल चेक करेंगे, बार बार में आईक्यू लेवल चेक करेंगे और केस स्टडी करेंगे। उसके आधार पर हम क्या करेंगे बच्चों, उसके आधार पर हम पिछड़े बालक की पहचान करेंगे। अब बात आती है कि पिछड़े बालक में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। देखो वो समझते हैं बच्चों, आगे देखेंगे। आगे हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो ये है कि ये जो पिछड़े बालक है उनके पिछड़े बालक बनने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, पिछड़े बालक की समस्याएं क्या है, पिछड़े बालक के लिए शिक्षा या सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, और गिलफोर्ड और टॉम्सले ने इन पिछड़े बालकों की शिक्षा की सुविधा के लिए कौन कौन से सुझाव दिए हैं, इन सब के बारे में बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे कि पिछड़े बालक के बनने के पीछे कारण क्या है, क्या क्या उनके समस्याएं आती है, क्या क्या शिक्षा सुझाव दिए जा सकते हैं, और गिलफोर्ड और टॉम्सले ने शिक्षा से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं रेनु वैद आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं, तो बच्चों नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने, और जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया है उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पिछड़े बालक आपके रीट एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है और बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही, क्योंकि मैं बना ही उनके लिए वीडियो रही हूँ। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ, तो लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए, कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।